हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MCQ वॉरियर्स पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है जंतु जगत का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी की। तो आज इसका जो पहला टॉपिक रहेगा वो है जंतु जगत का वर्गीकरण। हम लोगों ने इसमें 50 MCQ क्वेश्चन लिए हैं और सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं और वो कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल से। आपका पहला सवाल है, स्पंज क्या है? आपका सही जवाब है बी, एक जानवर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आमतौर पर जानवर जगह बदल सकते हैं, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जगह नहीं बदल सकता है? आपका सही जवाब है बी, हिड्रा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सच्ची मछली है? आपका सही जवाब है ए, डॉगफिश। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। कौन सा एकमात्र स्तनधारी है जो उड़ सकता है? आपका सही जवाब है सी, चमगादड़। अगला सवाल देखते हैं। कोलंब लीबिया किसका वैज्ञानिक नाम है? आपका सही जवाब है बी, कबूतर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा कार्टिजेलिनस मछली का है? आपका सही जवाब है ए, शार्क और रे। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सच्ची मछली नहीं है? का सही जवाब है बी, चांदी की मछली। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सच्चा सांप नहीं है? इसका सही जवाब है बी, कांच का सांप। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। किस वर्ग में जानवरों की संख्या सबसे अधिक है? इसका सही जवाब है सी, कीड़े। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। ज्वाला कोशिकाएं किसकी उत्सर्जन संरचनाएं हैं? आपका सही जवाब है डी, पल्टी हेमिल थेस। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सही जोड़े का चयन करें। का सही जवाब है डी, ऑर्थोपोडा सिल्वरफिश। चलिए अगला सवाल देखते हैं। फाइलम ऑर्थोपोडा में किस अंग से मल त्याग होता है? इसका सही जवाब है सी, मालफीगिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। उभयचरों में उनके दिल कितने कक्ष हैं? इसका सही जवाब है सी, तीन। अगला सवाल, सरीसृप में किसको छोड़कर बाकी के हृदय में कोष्ठक होते हैं? इसका सही जवाब है ए, मगरमच्छ। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं स्तनधारियों को अन्य कशेरुकाओं से अलग करती हैं? का सही जवाब है ए, बालों की त्वचा और स्थान ग्रंथियां। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उनके तीन उदाहरणों के साथ एक फाइलम का सही मेल है? इसका सही जवाब है ए, मोलास्क लोलीगो सीपिया ऑक्टोपस। चलिए अगला सवाल देखते हैं। गर्म खून वाले जानवर वे हैं जो अपने शरीर के तापमान को डैश रखने में सक्षम है। का सही जवाब है सी, वायुमंडलीय तापमान के बराबर। अगला सवाल देखते हैं। मनुष्य जैसा सबसे छोटा बंदर होता है? का सही जवाब है डी, लंगूर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस फैमिली से नीलगाय संबंधित है?
सही जवाब है सी, हिरण। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ऑक्टोपस क्या है? इसका सही जवाब है सी, एक मलस्क। चलिए अगला सवाल। सबसे बड़ा अकशेरुक है। इसका सही जवाब है ए, स्क्विड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सफेद पैर सींग डैश की किस्म है? इसका सही जवाब है डी, मुर्गा। अगला सवाल। प्राण का संबंध फाइलम से है। इसका सही जवाब है डी, आर्थ्रोपोडा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जानवरों के निम्नलिखित सेटों में से कौन सा चार हृदय वाला है? इसका सही जवाब है ए, मगरमच्छ, पक्षी और स्तनधारी। अगला सवाल। ग्राह प्रणाली किसकी विशेषता है? इसका सही जवाब है बी, स्पंज। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से फाइलम जानवर ज्यादातर समुद्री पानी में पाए जाते हैं लेकिन कुछ मीठे पानी में होते हैं? इसका सही जवाब है डी, पोरीफेरा। चलिए अगला सवाल। कौन सा जानवर छाता के आकार का और मुफ्त में तैरने वाला है? इसका सही जवाब है डी, बी और सी, यानी कि जेलीफिश और ओरेलिया। चलिए अगला सवाल। कोरल में एक कंकाल होता है जो डैश से बना होता है। इसका सही जवाब है डी, CaCO3। अगला सवाल। यह पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव वर्ग है। इसका सही जवाब है बी, आर्थ्रोपोडा। अगला सवाल। एक उत्सर्जन प्रणाली अनुपस्थित है। इसका सही जवाब है बी, स्टारफिश। चलिए अगला सवाल देखते हैं। समुद्री घोड़ा है। का सही जवाब है बी, एक मछली। चलिए अगला सवाल। वे ठंडे खून वाले जानवर हैं। का सही जवाब है डी, समुद्री घोड़ा। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। श्वसन किस प्रकार का होता है, उभयचरों में पाया जाता है? इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। उड़ने वाले जीव का खून है। का सही जवाब है बी, गरम। अगला सवाल। पुस्तक फेफड़े श्वसन अंग है। इसका सही जवाब है ए, अर्चिंड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तिल चिट्टा में अंतरिन जिल अंग है। इसका सही जवाब है ए, मालपिगियन नलिका। चलिए अगला सवाल। गिल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन करता है? इसका सही जवाब है सी, झींगा। अगला सवाल। जानवरों के साम्राज्य में फाइलम युक्त प्रजातियों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। का सही जवाब है सी, मोलास्क। अगला सवाल देखते हैं। स्टारफिश का वैज्ञानिक नाम है। इसका सही जवाब है डी, तारकमीन। अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला है? इसका सही जवाब है सी, अजगर। अगला सवाल। दूसरा सबसे बड़ा जलीय कशेरुक है। इसका सही जवाब है ए, व्हेल शार्क। अगला सवाल।
कौन सा सही नहीं है? इसका सही जवाब है बी, व्हेल अमोनो टेलिक। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। एक अंडा बिछाने स्तनधारी है, इसका सही जवाब है सी, मोनोट्रिम। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लंबी हड्डियां खोखली और वायु मार्ग से संकरी होती हैं, जो इनकी विशेषता होती है। इसका सही जवाब है बी, पक्षी। अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन एक उड़ान रहित पक्षी है? इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। अगला सवाल। एक चार चैम्बर दिल में नहीं पाया जाता है। का सही जवाब है बी, सांप। अगला सवाल। स्केल लेग कशेरुक है, का सही जवाब है सी, चूहा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कशेरुकी जंतुओं के साथ उदर पेशी हृदय होता है, का सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। खून चूसने वाला जानवर है, आपका सही जवाब है डी, जोंक। चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं। कीटों के कितने जोड़े पैर होते हैं? इसका सही जवाब है ए, तीन जोड़े पैर होते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आज की आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्री पीडीएफ ईबुक्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।